back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am in Bangalore. Apart from being the IT hub of India, Bangalore mein milta hai dher sara delicious khana. Yahan pe aapko street food se leke, tiffin room se leke, steak house se leke, everything like you name it and you have it. Bangalore mein aise bahut sari iconic jagahein hain jo independence era ke bhi pehle bani hui thi. And those places are still here और यहाँ पर locals अभी भी जाते हैं. But apart from these places, यहाँ पर बहुत सारी new gen places भी हैं which are actually buzzing. मैं actually Bangalore 3-4 दिन आई थी कुछ काम से, but shoot मैं आज एक ही दिन कर रही हूँ because rest of the days I was actually involved with some other personal work. आज के दिन में हम बहुत सारा delicious खाना खाने वाले हैं. हम थोड़ी iconic जगहें तो जाएंगे ही, जैसे CTR हो गया, शिवाजी मिलिट्री होटल हो गया, but at the same time we'll also go to some new gen hotels which the locals in Bangalore swear by, like Truffles, Corner House. So make sure you watch this video till the end to see some delicious South Indian food, some burgers, some desserts, biryani, rolls and so much more. Let's go. Our first place is CTR. This place is so popular. Why is it so popular and what is all the hype about? Main andar jaake batati hu. Let's go. आज के जो पहली प्लेस हम आए हैं वो है CTR, सेंट्रल टिफिन रूम. इसको श्री सागर भी बुलाया जाता है, बट जो यहाँ के लोकल्स हैं दे कॉल इट CTR इटसेल्फ. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952. कर्नाटका में एक्चुअली बहुत सारे टिफिन रूम्स हैं एंड CTR एंड MTR आर वन ऑफ द लाइक पॉपुलर वंस. यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं द वेरी पॉपुलर बेने मसाला डोसा एंड चाचाओ भात. तो हमारा चाचाओ भात अभी यहाँ पे आ चुका है. ये बहुत ही एक्चुअली हटके कॉम्बिनेशन है. तो चाचाओ भात में आपको तीन चीज़ें मिल जाती है. दिस इज हरा भात, केसरी भात एंड कोकोनट चटनी. इन तीनों के फ्लेवर्स जब ऐसे मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है. दिस इज़ अ वेरिएशन ऑफ रवा उपमा. ये बनता है सूजी से, थोड़े वेजिटेबल्स यूज होते हैं. सो इसमें मुझे दिख रहा है करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स और दाल, चना दाल. इसका भी एक बाइट ले लेते हैं. वाओ, बहुत होमली फील्स आ रहे हैं. इसमें घी भी डाला हुआ है बट एकदम हल्का घी, ऐसा ओवरलोड नहीं किया है. इट एक्चुअली टेस्ट लाइक रवा उपमा बट इसका टेक्सचर थोड़ा क्रम्बली है. द बेस्ट थिंग इज जो बॉइल्ड चना दाल यूज़ किया बीच बीच में, सो गुड. करी लीव्स बहुत ज़्यादा नहीं डाले हुए हैं. आई थिंक एक बाइट में एक छोटा सा करी लीव आ रहा है. बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. नाउ लेट्स ट्राई सम केसरी बात. हल्का सा ज़्यादा स्वीट है. इसमें भी घी बहुत सारा डाला हुआ है. किशमिश और इलायची मेरे मुंह में आया व्हेन आई टुक द फर्स्ट बाइट. इलायची के ऐसे छोटे छोटे पीसेस डाले हुए हैं. सो यमी. मैं इन दोनों को मिक्स करके एक बाइट ले लेती हूँ अभी. इसमें अनियन भी डाला हुआ है एकदम हल्का सा. आई एम टेकिंग सम ऑफ दिस एंड मिक्सिंग सम ऑफ दिस. Delicious. The coconut chutney is not spicy. Overall, इसमें सारे flavors हैं. This rava upma is bringing like this nice homely savory taste. This kesari bath is bringing sweet and rich taste. Too good. The main reason we came to CTR is to try their bene masala dosa. Bene means butter in Kannada. तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बेने मसाला डोसा और यहाँ पे मिल जाती है दो चटनीज. This looks very shiny. Quantity wise ये कम लग रहा है but this looks very crispy. Served on a banana leaf. और यहाँ पे हैं दो चटनी. This is a coconut chutney and this is I think coriander but this is also a coconut chutney but इसमें और भी चीज़ें use की गई हैं. Look at the dosa. It's honestly shining if you can't tell and so crispy. Beech mein hai masala. Oh my god, it's so crispy. Look at all that masala. The reason I broke it like this kyunki mujhe first bite hi masale ke sath lena tha. Ye jo masala hai it's not very dry. Onion, coriander, curry leaves and potato. मेरे हाथ पे पूरा बटर बटर लग गया है. दिखने में नहीं लग रहा था कि इतना बटर होगा बट है ऐसा काफ़ी सारा. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन,
इट्स नॉट टू थिक, इट्स थिन. बहुत सारा बटर डाला हुआ है, हल्का सा देसी घी भी डाला हुआ है, बट इसका हाईलाइट इसका ये मसाला भी है. परफेक्ट टेक्सचर. द मसाला हैज घी, वेयर एज द डोसा हैज लॉट ऑफ बटर. ये कोकोनट चटनी वॉज नाइस. दिस इज अ मिंट कोकोनट चटनी, हल्की सी स्पाइसी है. द हाईलाइट ऑफ दिस डोसा इज द हीप्स ऑफ बटर यूज एंड द टेक्सचर ऑफ द डोसा विद दिस मिंट कोकोनट चटनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी. एब्सोल्युटली लव्ड इट. जो हम नेक्स्ट प्लेस आए हैं वो है पुलियोगरे पॉइंट. इसके पहले मैंने आपको दिखाया कि हम शिवाजी मिलिट्री होटल गए थे, बट वहाँ पे सिर्फ टेक अवे अलाउड था. ये गूगल और जोमेटो पे मेंशन नहीं था, वहाँ पे दिखा रहा था कि डाइनिंग अवेलेबल है. वहीं से 10 मिनट दूर ये था पुलियोगरे पॉइंट. और यहाँ पर मैं आ गई हूँ दो साउथ इंडियन स्पेशल डिशेस खाने. वन इज़ पुलियोगरे एंड वन इज़ बिसीबिलेबाद. लेट मी शो यू. ये है पुलियोगरे और ये है बिसीबिलेबाद. दोनों ही ये डिशेज साउथ इंडियन हाउस होल्ड्स में काफ़ी बनती हैं. दीज आर सपोज टू बी लाइक नाइस होमली कम्फर्ट मील्स. हम सबसे पहले खाएंगे बिसीबिलेबाद. ये जो प्लेस है पुलियोगरे, इट्स फेमस फॉर पुलियोगरे, बट सबसे पहले हम ये खाते हैं. दिस इज़ बिसीबिलेबाद. इट्स बेसिकली हॉट लेंटिल राइस. इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी खिचड़ी जैसा है, जो हम खिचड़ी खाते हैं वैसा. साइड में है ये थोड़ा क्रिस्पी बूंदी. इसमें मुझे मस्टर्ड सीड्स दिख रहे हैं, रेड चिलीज दिख रहे हैं. दोनों ही राइस प्रिपरेशन हैं. करी लीव्स दिख रहे हैं मेरे को. सो कर्नाटका में बिसीबिलेबाद इज़ अ वेरी पॉपुलर डिश. एंड मैं सोच रही थी कि मैं वो ब्राह्मण्स से खाऊंगी, बट यहाँ पे भी अवेलेबल था तो मैंने सोचा मैं यहीं से खा लेती हूँ. ऊपर से मैं थोड़ा सा ये बूंदी डालती हूँ. वाओ, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम खिचड़ी टाइप है. एक्चुअली दाल का ही सबसे ज़्यादा स्वाद आ रहा है. इट ऑल्सो हैज़ घी. इसमें थोड़े वेजिटेबल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे मुझे लग रहा है इसमें कैरेट और पीस तो मुझे दिख भी रहा है. देन मस्टर्ड सीड्स यूज़ किए गए हैं, थोड़े थोड़े टमेटोज और ये रेड चिली बहुत यूज़ किया हुआ है, बेल पेपर्स यूज़ किए हुए हैं. एंड दाल, इसमें तूर दाल यूज़ की हुई है. तूर दाल, चावल, स्पाइसेस एंड ऑल द वेजीज विद सच कंसिस्टेंसी, परफेक्ट. एंड ऊपर से ये बूंदी. Too good. Now let's try पुलियोगरे. This is also called tamarind rice. पुलियो means sour. इसमें भी करी लीव्स और रेड चिलीज दिख रहे हैं, ढेर सारे मस्टर्ड सीड्स. और इसकी कंसिस्टेंसी इज लाइक नॉर्मल राइस. दिस इज सर्व्ड अलॉन्ग विद सम कर्ड. ये मेरा फर्स्ट टाइम था ट्राइंग बिसीबिलेबाद. एब्सोल्युटली लव्ड इट. एंड अगेन माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग पुलियोगरे. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. वाओ, इसमें ग्राउंडनट्स डाले हुए हैं, विच इज़ ब्रिंगिंग सच गुड टेस्ट. सो गुड. मुझे बिसीबिलेबाद से भी ज़्यादा अच्छा लगा. मैंने सुना था कि बहुत खट्टा होता है. इट्स नॉट लाइक खट्टा, इसमें हल्की सी खटास है जो बहुत प्लेजेंट है, बट इसके ही साथ ग्राउंडनट, रेड चिलीज उसको पूरा बैलेंस कर रहे हैं. सो बेसिकली ये लोग टैमरिन यूज़ करते हैं खटास के लिए, बट दे ऑल्सो यूज़ जैगरी फॉर दैट लिटिल स्वीटनेस. नेक्स्ट प्लेस ऑफ द डे इज हरी सुपर सैंडविच. बहुत लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था कि मैं यहाँ पे आके सैंडविच खाऊं. दिस प्लेस इज वेरी पॉपुलर फॉर इट्स सैंडविचेस. सुबह हो, दिन हो, शाम हो या रात हो, यहाँ पे आपको हमेशा भीड़ मिलेगी फॉर देयर सैंडविचेस. एक चीज मैंने नोटिस की, इनके सैंडविचेस वर ऑलरेडी
pre-made, ये सिर्फ उनको गरम कर रहे थे तवे पर. मैंने यहाँ पे ओनर से पूछा विच इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वन एंड ही सजेस्टेड अमेरिकन कॉर्न सैंडविच. लेट मी शो यू. सो दिस इज द सैंडविच. इसके अंदर है कॉर्न, टमेटो, कैप्सिकम एंड लॉट्स ऑफ चीज़. उसके साथ है ये चटनी. ये चटनी उन्होंने एक्चुअली पहले दी नहीं, हमने मांगी तो दी उन्होंने. ओके, दिस चटनी इज वेरी स्पाइसी. बहुत सारे इसमें ग्रीन चिलीज डाले हुए हैं, बहुत स्पाइसी है ये. एक अभी विदाउट चटनी में बाइट लेती हूँ. आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं बाहर कहीं पर सैंडविच खा रही हूँ और इसे ढेर सारा बटर नहीं यूज़ किया गया है. दैट्स द बेस्ट थिंग. सिंपल, नो नॉनसेंस, डिलिशियस सैंडविच. अंदर है चीज़, कैप्सिकम, टमेटो और इनका एक मसाला डाला हुआ है जो हल्का सा चटपटा है. एंड ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ स्वीट कॉर्न. ये जो इनकी चटनी है स्पाइसी बट इट्स सुपर डिलिशियस. लव्ड इट. एक और चीज़ जो हरी सुपर सैंडविच में बहुत पॉपुलर है इज़ अ कांग्रेस मसाला. ये नाम के पीछे क्या राज है आई हैव नो आइडिया. सम पीपल से कि इसको कांग्रेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें पीनट्स होते हैं इट रिजेंबल्स द टोपी ऑफ कांग्रेस और महात्मा गांधी. आई हैव नो आइडिया और उसमें हमें पढ़ना भी नहीं है. हमें किस चीज़ में पढ़ना है सीधा इसमें. इट लुक्स वेरी डिलिशियस बाय द वे. दिखने में ना थोड़ा थोड़ा सा ना चाइनीज़ भेल जैसा लग रहा है बट इट्स नथिंग क्लोज टू दैट. इसमें डाले हुए हैं थोड़े वेजीज जैसे अनियन, टमेटो, कैरेट, देन पीनट्स, देन इनका मसाला, चटनी. इनकी चटनी के वजह से थोड़ा थोड़ा ऐसा गीला हो गया है. टॉप विथ सेव, देन कोरिएंडर. फॉर सम रीज़न आई थिंक इनकी चटनी में जिंजर डाला हुआ है तो उसका मुझे स्वाद आ रहा है. पीनट्स रोस्टेड हैं तो उसका एक स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है. देन अनियन, टमेटो और इनका जो मसाला है वेरी सिंपल. द होल हाईलाइट इज गुड क्वालिटी पीनट्स एंड चटनी. दिखने में बहुत सौगी सौगी लग रहा है बट पीनट्स आर एक्चुअली वेरी क्रिस्पी. हम अभी आ गए हैं खान साहेब ग्रिल एंड रोल्स में. यहाँ के जो ग्रिल आइटम्स हैं, तंदूर आइटम्स हैं, कबाब्स हैं, रोल्स हैं, चाप है, वो काफ़ी पॉपुलर है. इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं. मैं आ गई हूँ इनके इंदिरा नगर वाले ब्रांच में. यहाँ पे मैंने अपने लिए ले लिया है एक पेरी पेरी चिकन रोल विच लुक्स सो नाइस एंड सम चिकन सीख कबाब. दिस इज़ हाउ द रोल लुक्स लाइक. अंदर मुझे दिख रही हैं चटनी और ये चिकन देखिए ग्रिल्ड टू परफेक्शन. यू कैन सेलेक्ट बिटवीन रुमाली रोटी और पराठा. मैंने ले लिया है रुमाली रोटी में. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस. वाओ, एक और बाइट लूँगी फिर बताती हूँ. ओह माय गॉड, इसके अंदर इन्होंने डाला है मेयोनीज और मिंट चटनी. द मिंट चटनी इज़ सो फ्रेश, सो फ्लेवरफुल बट बहुत डाली हुई है जिसकी वजह से ये रोटी हल्की सी टूट गई. बट द चिकन सो टेंडर, सो वेल कुक्ड, एकदम परफेक्ट स्मोकी फ्लेवर. पेरी पेरी एकदम बैलेंस्ड मसाला डाला हुआ है. नॉट स्पाइसी बट येस यू कैन टेस्ट सम ऑफ दैट पेरी पेरी. रोटी इज़ परफेक्ट. Then I have some chicken seekh kebab with chutney and onion ka pickle. Chicken seekh kebab is okay. I like the roll more. Halka sa mujhe dry lag raha hai. It's not even cooked that properly. Chutney ye sab bahut achhi hai. I don't know main recommend karungi ya nahi but roll 100%.
इट्स डिनर टाइम और हम यहाँ पर आ गए हैं ट्रफल्स में. इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैंग आउट फास्ट फूड जॉइंट्स इन बैंगलोर और यहाँ पर हम खाने वाले हैं बर्गर्स. यहाँ पे इनका मेन्यू एक्चुअली काफ़ी एक्सटेंसिव है. यू गेट अ बंच ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम सैंडविचेस, पास्तास, मेन्स, हॉट डॉग्स, स्टीक्स, बर्गर्स. दे आर नोन फॉर देयर sinful burgers and all of us have actually ordered one burger, so I'm going to show you all of that. By the way, whenever I used to ask someone ke Bangalore mein ek aisi kaun si jagah hai jo mujhe definitely karni chahiye, it came as quite a surprise ki street food ke saath ye place definitely har ek ke list pe hoti hi thi. So excited and so hyped up about the burgers over here. This is a virgin mojito. It's nice, ekdam perfect. Hum wait kar rahe hain hamare burgers ke liye. This is the burger that I am going to have. It's called Truffle Rooster. इसमें आपको मिल जाती है एक chicken patty which has so much sauce, lettuce and cheese. इसमें onion tomato भी आता है जो मैंने नहीं डलवाया है. Here's something that you should know about me. I don't like tomatoes in my burgers or rolls. This looks huge. Let's taste this. Wow. Even before describing the burger, let me tell you, this is one of the best burgers I've had in recent times. Perfect is the word. The bun is so fresh, so soft. The patty inside, itni acche se flavored hai. So generous. This tastes a lot like a mix of peri peri and barbecue sauce. It's crispy, yet andar se kafi soft hai. So good. I can't stop eating this. The highlight of this burger is how well the chicken is cooked and the sauces. Too good. Definitely worth all the hype. आज के जो हम लास्ट प्लेस आए हैं, इट्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस इन बैंगलोर. इट्स कॉल्ड कॉर्नर हाउस एंड यहाँ पे मिल जाता है डेथ बाय चॉकलेट. बहुत पॉपुलर है यहाँ पे ये. इनफैक्ट हम लोग एकदम ऑड टाइमिंग पर आए हैं. ये टाइम पे यूजुअली लोग इतना डिजर्ट नहीं खाते हैं. स्टिल दिस प्लेस इज़ लाइक प्रॉपरली पैक्ड और सब लोग यहाँ पे यही खा रहे हैं. लेट मी शो यू. सो इसमें यूज़ किया गया है वॉर्म चॉकलेट केक. काफ़ी वॉर्म और फ्रेश है ये. उसके ऊपर डाली गई है ढेर सारी आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम, चेरी, बहुत सारा चॉकलेट सॉस एंड सबसे हटके इन्होंने पीनट्स डाले हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि किसी डिज़र्ट के ऊपर उन्होंने ऐसे पीनट्स डाले हैं. बट लेट्स ट्राई दिस. लेते हैं केक, some of that ice cream and peanuts. Delicious. मुझे लग रहा था पीनट्स का पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा. रोस्टेड पीनट्स हैं. क्या कमाल का टेक्सचर और टेस्ट ला रहे हैं. वनीला आइसक्रीम एकदम ठंडी और एक केक एकदम गर्म. नीचे भी एक पूरी बेड है वनीला आइसक्रीम की. सो गुड. चेरीज भी डाले हुए हैं. So good. It lives up to the hype. I can't stop eating this. Everything is just perfect. ऐसे जो desserts होते हैं usually काफ़ी ज़्यादा sweet हो जाते हैं. Means एक time के बाद आप खा ही नहीं सकते हो. Sugar rush type हो जाता है. इसमें वो नहीं होगा क्योंकि एक cake इतना sweet नहीं है और जो peanuts हैं वो पूरे sweetness को ऐसा tone down कर रहे हैं. Love it. And with this we have come to the end of our video. I hope you guys enjoyed it. I am going to make a Bangalore series next time in future जब मैं आराम से शूट के लिए बैंगलोर आऊँगी. But for this time, this is the only video. If you enjoyed this video, please make sure you hit the like button. Comments में मुझे बताइए कि next time जब मैं बैंगलोर आ रही हूँ मैं कौन सी places करूँ. Subscribe to my channel, hit the bell icon. Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. अगर आपको चाहिए comment shout out, all you have to do is just leave a comment below. I'm going to see you next time. Till then, खाओ पियो, खुश रहो. Bye.